नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सरकार बजट को जनवरी के अंत में पेश करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया को बदलने की कोशिश कर रही है और इसी के अंतर्गत ये फैसला भी लिया जा सकता है कि बजट को जनवरी के अंत में पेश किया जाए। आपको बता दें कि अभी फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता है और इससे पहले ये भी खबर आई थी कि सरकार रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने का मन बना चुकी है। सरकार का कहना है कि फरवरी में बजट पेश करने की परंपरा की वजह से बजट का कामकाज मई तक खींच जाता है और सरकार 31 मार्च तक बजट की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहती है। तो एक बड़ी खबर, 31 जनवरी को आ सकता है आम बजट। और आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी के अंत में आम बजट आता है। 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है, 26 जनवरी को रेल बजट और 27 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 31 जनवरी को आम बजट पेश हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और ये खबर वित्त मंत्रालयों के सूत्रों से आ रही है और कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। और इसके साथ ही कुछ समय पहले से ये खबर भी आ रही है कि रेल बजट को भी खत्म किया जाए और इसे आम बजट के साथ मिला दिया जाए, यानी कि आम बजट में ही रेल बजट को भी पेश किया जाएगा। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इससे सरकार का समय बचेगा। और सरकार का ये भी कहना है कि फरवरी में बजट पेश करने की वजह से बजट का कामकाज मई तक खींच जाता है और सरकार 31 मार्च तक बजट की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहती है। अभी फिलहाल 28 मार्च को, आपको बता दें कि 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है और 31 मार्च तक अब सरकार चाहती है कि बजट की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं, जिससे कि बजट में लिए गए जितने भी फैसले हैं उनको 1 अप्रैल से लागू किया जा सके। इससे पहले रेल बजट को भी खत्म करने को लेकर मंथन चल रहा था। सरकार का ये कहना है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार ये चाहती है कि रेल बजट जो है वो आम बजट के साथ ही पेश हो जाए, जिससे समय की भी बचत हो। आगे बढ़ते हैं। उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाए जाने के बाद खाली हुआ डिप्टी गवर्नर का पद माइकल पात्रा को मिल सकता है। माइकल पात्रा फिलहाल, आपको बता दें कि आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मॉनिटरी पॉलिसी से भी जुड़े हुए हैं। सरकार जब तक डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति नहीं करती तब तक अति महत्वपूर्ण मॉनिटरी पॉलिसी का काम संभालने के लिए मौजूदा 3 डिप्टी गवर्नर आर गांधी, एसएस मुंद्रा और एनएस विश्वनाथन में से किसी एक को अंतरिम जिम्मेदारी देनी होगी। फिलहाल ये जिम्मेदारी उर्जित पटेल संभाल रहे थे। उम्मीद यही है कि सरकार जल्द ही मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के 3 सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान अगले कुछ दिनों में कर सकती है और आरबीआई की अगली बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू 4 अक्टूबर को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। तो एक और बड़ी खबर, माइकल पात्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, डिप्टी गवर्नर बन सकते हैं आरबीआई के। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रिजेश। ब्रिजेश, क्या इसमें भी कुछ सरप्राइज की उम्मीद है या फिर माइकल पात्रा का डिप्टी गवर्नर बनना लगभग तय है अब? देखिए, वो एक लगता है ब्रिजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ब्रिजेश, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी, माइकल पात्रा का क्या डिप्टी गवर्नर बनना तय माना जा सकता है? लगता है ब्रिजेश से हमारा संपर्क टूट गया है।
तो माइकल पात्रा को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया जा सकता है। और बात अब नए डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की। उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल फिलहाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई भी की हुई है। उर्जित पटेल 4 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल होगा 3 साल का। उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। वो मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की जगह लेंगे। राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। उर्जित पटेल फिलहाल आरबीआई की डिप्टी गवर्नर हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल की नियुक्ति को इंडस्ट्री और मार्केट की ओर से थम्स अप मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा अच्छा एक संतोषजनक नतीजा है कि एक उर्जित पटेल जी को एक गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इनका जो तजुर्बा रहा है काफ़ी सालों से, 3.5-4 साल से, इससे कम से कम उम्मीद है कि कंटिन्यूटी रहेगी। जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और कंट्रोल में इनका हिस्सा रहा है वो भी एक सस्टेन करेगा एक तरीके से। इस समय भारत के सामने जो मुख्य समस्या है या मुख्य चुनौती है वो यह है कि वह किस तरह ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाए रखे, टिकाए रखे, और इस समय देश को उस किस्म की नेतृत्व की जरूरत है। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस तो रहते हैं लेकिन उन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। सो ये देखना होगा कि डॉक्टर पटेल की राय इसके बारे में क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। देश के लिए अच्छा रहेगा। वो आज डिप्टी गवर्नर थे तो आरबीआई में चीज समझ लिए हैं, आज 2 साल से हैं वहाँ, तो उसके कारण से एक पॉजिटिव रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से समझते हैं। अभी जो आज के दिन माहौल है और एनवायरनमेंट है, बिगेस्ट चैलेंज है बैंकिंग सिस्टम का जी। मेन जो आरबीआई को देखने है कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे रिवाइव किया जाए कि वो सॉलिड काम करने वाले लोग बट लो प्रोफाइल, मतलब वो तो दैट एक्सटेंट कंटिन्यूटी है। तो आई थिंक इट ही फिट्स द बिल टू दैट एक्सटेंट। इन एनी केस जो सबसे कंटेंजियस इशू था वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का, उसके लिए तो पैनल विल बी टेकिंग द डिसीजन। उर्जित पटेल को इसी साल जनवरी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए। पटेल को मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का करीबी सहयोगी माना जाता है। उर्जित पटेल उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने WPI की जगह CPI को महंगाई का नया मानक बनाने सहित कई अहम बदलाव सुझाए थे। महंगाई को लेकर पटेल का रुख काफी सख्त रहा है। विवादों के बाद रघुराम राजन ने खुद इस पद को संभालने से मना कर दिया था। राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है, जिसके बाद उर्जित पटेल गवर्नर का पद संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं नियुक्ति के बाद उर्जित पटेल ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि शुभकामनाओं के लिए आप सबका शुक्रिया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की उम्मीदों पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उर्जित पटेल आरबीआई को सही नेतृत्व देंगे और देश के आर्थिक विकास में वो अहम योगदान देंगे। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी उर्जित पटेल की नियुक्ति को सराहा और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश के विकास में उनका योगदान अहम रहेगा। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है वित्त राज्य मंत्रियों संतोष गंगवार और अर्जुन मेघवाल का उर्जित पटेल की नियुक्ति पर। दुरुस्त है कि पिछले काफी समय से रिजर्व बैंक में गवर्नर की नियुक्ति की बात चल रही थी और आज इस नियुक्ति के साथ हम महसूस कर सकते हैं कि जिनको बनाया गया है कि उन्हें अच्छा अनुभव है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि UPA 2 के कार्यकाल में भी इनके कार्य को पसंद किया गया था और उन्होंने इनको एक अपने स्पोक पर्सन के रूप में इस्तेमाल भी किया था।
और मैं इतना ही महसूस कर सकता हूँ कि अब जबकि देश एक आर्थिक दृष्टि से प्रगति की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इसमें एक अच्छी दिशा मिलेगी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस समय जिस प्रकार से आर्थिक रूप से हमारा देश दुनिया के देशों में पहचान बना रहा है, एक हम और अच्छी दिशा में आगे चलने का काम करेंगे। नए गवर्नर की नियुक्ति आज हुई है और जिस तरह का डिप्टी गवर्नर के नाते पटेल साहब का अनुभव रहा है आरबीआई में, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के उनके जो विचार और सुझाव और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे लगता है कि आरबीआई के गवर्नर के नाते उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहेगा। और जीएसटी के इस कालखंड में वो आ रहे हैं तो ये जो आर्थिक तंत्र को सुधारने में जो आरबीआई की भूमिका, महंगाई को नियंत्रण करने में जो आरबीआई की भूमिका, और बैंकों में जिस तरह से कई मामलों में एनपीए की जो समाचार आ रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है पटेल साहब का जो कार्यकाल है वो देश हित में होगा और आरबीआई के हित में होगा। तो सरकार ने मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन के उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया है, लेकिन राजन के 3 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसी भी उपलब्धियां रही जो हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। रघुराम राजन देश के बैंकिंग सिस्टम के जिस शीर्ष पद पर विराजमान हैं, वो हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाला पद है। लेकिन रघुराम राजन ने इस पद पर जितनी सुर्खियां बटोरी अपने कड़े फैसलों से, उतनी ही चर्चाओं में रहे। इससे पहले शायद ही किसी आरबीआई गवर्नर को इतनी सुर्खियां नसीब हुई। रघुराम राजन के खिलाफ विवादों का बवंडर खड़ा करने के सूत्रधार बने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने राजन पर आरोप लगाया कि राजन ने ब्याज दरें बढ़ाकर एसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, शरिया बैंकिंग की सिफारिश करके कानून का उल्लंघन किया। स्वामी का आरोप था कि राजन अब भी अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और देश की महत्वपूर्ण सूचनाओं को लीक करते हैं। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राजन सरकारी अधिकारी होने के बावजूद सरकार की आलोचना करते हैं और अमेरिका के हितों की रक्षा करने वाले ग्रुप ऑफ 30 के सदस्य हैं। विवादों के बीच राजन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजन की पीठ थपथपाई। पीएम ने साफ कहा कि प्रशासनिक फैसलों से मीडिया को दूर रहना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी राजन पर कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन ये भी सच था कि अंदर खाने राजन पर हर तरफ से चोट हो रही थी। राजन ने भी कई बार जाहिर किया कि देश की इकोनॉमी को लेकर सरकार के कदमों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। राजन ने मोदी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। भारतीय इकोनॉमी को लेकर अंधे में काना राजा वाला बयान भी सरकार के साथ उनके रिश्तों के बीच कड़वाहट को उजागर करने वाला था। राजन को जब भी मौका मिला वो अलग अलग मंचों से देश और सरकार को आगाह करते रहे। बेशक सरकार और राजन में मनमुटाव चलते रहे, लेकिन इंडस्ट्री और बाजार ने हमेशा राजन पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि आरबीआई गवर्नर होने के लिए रॉकस्टार स्टेटस की जरूरत नहीं है। फिच का कहना है कि भारत की रेटिंग नीतियों पर निर्भर करेगी, ना कि किसी खास शख्सियत पर। फिच ने उम्मीद जताई कि नए गवर्नर भी राजन की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। फिच ने यह भी कहा कि राजन ने महंगाई की ऊंची दर और बैंकों की बैलेंस शीट को लेकर कई उचित कदम उठाए और उम्मीद करते हैं कि पटेल भी कुछ ऐसा ही करेंगे। और वहीं देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का इस फिस्कल में पे पैकेज 30 करोड़ से ज्यादा का होगा। इसमें पर्क शामिल नहीं है। सुनील मित्तल को फिर 5 साल के लिए कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है। उनका सालाना वेतन 21 करोड़ होगा, जबकि परफॉर्मेंस से जुड़ी वेरिएबल पे 9 करोड़ रुपए की होगी। कंपनी की एजीएम में यह फैसला लिया गया है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2015-2016 में सुनील मित्तल का सालाना वेतन 24.6 करोड़ और पर्क्स 1.17 करोड़ थे। रिजर्व बैंक ने जितनी तेजी से दरें घटाई हैं, बैंक उसके मुकाबले ब्याज दर नहीं घटा पाए हैं। रिजर्व बैंक अब इसे देखते हुए बैंकों की लोन की लागत तय करने के फॉर्मूले को ही बदलने पर विचार कर रहा है। बैंकर्स के मुताबिक लोन की लागत निकालने का मौजूदा फॉर्मूला ज्यादा कारगर नहीं है।
रिजर्व बैंक ने कर सस्ता करने के लिए बीते साल जनवरी से लेकर अब तक 1.5% ब्याज दर घटाई है, लेकिन बैंकों ने ब्याज दर में औसतन 1% से भी कम कटौती की है। बैंकों की कर सस्ता करने की सुस्त रफ्तार की वजह मौजूदा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग MCLR के फॉर्मूले को माना जा रहा है। RBI को लगता है कि मौजूदा फॉर्मूले के तहत ब्याज दरें तेजी से नहीं नीचे आ रही हैं। ऐसे में RBI MCLR के फॉर्मूले को बदलना चाहता है। On our side, having examined our experience with the MCLR framework, we will shortly be suggesting some revisions. However, substantial pass-through will happen only as corporate credit demand picks up. बैंक जो लोन ग्राहकों को देते हैं उनकी लागत कर्ज की रकम पर सभी खर्चों को जोड़कर निकालते हैं, जैसे ग्राहकों को डिपॉजिट पर दिए जाने वाला ब्याज, सेविंग अकाउंट पर दिया गया ब्याज, CRR मेंटेनेंस की लागत, RBI से रोजाना उधारी पर ब्याज, लंबी मियाद के लिए जुटाई गई पूंजी की लागत। बैंकर्स मानते हैं कि मौजूदा फॉर्मूला ज्यादा उधारी लेकर लोन बांटने वाले बैंकिंग सिस्टम के लिए कारगर है, जबकि भारत में बैंक औसतन 10% भी रकम उधारी से नहीं जुटाते, बल्कि पब्लिक डिपॉजिट से ही सबसे ज्यादा पैसा आता है। Today, the idea was that MCLR would allow for very quick transmission. Transmission has happened, but as we explained, MCLR will be affected by the cost of deposits of only 60% of the deposits, because the rest of them are a little interest agnostic. So to that extent, you know, whenever there is a rate cut, about 60% of it will get passed on, which has happened already. So RBI is probably wanting to see how it can be made more efficient. Exactly what their outcome will be, we are not as yet aware. रिजर्व बैंक ने 2010 में बैंकों की लागत का फॉर्मूला BPLR से बेस रेट पर शिफ्ट किया था, जबकि इस साल इसे बदलकर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट पर लाया गया है। बेस रेट और MCLR के आने से बैंकों के ब्याज दर तय करने के तरीके से ट्रांसपेरेंसी आई है। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में BMC के दायरे वाले इलाकों में बीते 6 महीने से कंस्ट्रक्शन की इजाजत ही नहीं मिल रही है। BMC ने 6 महीने में किसी भी बिल्डर को रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए नई मंजूरी ही नहीं दी है। हर महीने औसतन 100 नए कंस्ट्रक्शन की मंजूरी मिलती थी, लेकिन 6 महीने से एक भी बिल्डर को नई मंजूरी नहीं मिली है। जिन बिल्डर ने पहले मंजूरियां ले रखी थी, केवल वही अब काम कर पा रहे हैं। मुंबई में BMC के दायरे वाले इलाकों में इस साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च होने वाले नए फ्लैट्स की बुकिंग मुश्किल होगी। वजह है कि उन्हें नई हाउसिंग या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की BMC से मंजूरी नहीं मिल रही है। बिल्डर्स फेस्टिव सीजन में प्री लॉन्च ऑफर लाते हैं, जिसमें ग्राहकों को मार्केट रेट से थोड़े कम भाव पर प्रॉपर्टी की बिक्री करते हैं। बिल्डर्स को चिंता है कि रोक जारी रही तो इस साल फेस्टिव सीजन में नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होंगे। जिन बिल्डर्स ने जमीन खरीदने के लिए ऊंची ब्याज पर कर्ज ले रखा है, उनकी दिक्कतें और बढ़ जाएगी। BMC हर साल 1000 से ज्यादा नई बिल्डिंग को बनाने की परमिशन देती है। कोर्ट के ऑर्डर से लोगों को, डेवलपर्स को बहुत तकलीफ हो रही है। उनका कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है। आज हम डेवलपर्स ने, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 200 करोड़ की जो प्रॉपर्टियां खरीदी है, आज उनको अगला अप्रूवल नहीं मिलने से उनके काम चालू नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण हम डेवलपर्स को काफ़ी तकलीफें हो रही है। दरअसल देवनार और मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन न होने की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च में नए कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था, जब तक राज्य सरकार और BMC सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पक्का प्लान नहीं देते, किसी नए कंस्ट्रक्शन की इजाजत न दी जाए। शिकायत थी कि बिल्डर्स को नए कंस्ट्रक्शन की छूट मिल रही है और कंस्ट्रक्शन का सारा मलबा डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है, जिनकी क्षमता पहले ही खत्म हो रही है। ऐसे में नए कंस्ट्रक्शन की परमिशन से मुश्किल और बढ़ेगी जी। उनको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा। ये रियल प्रॉब्लम है कि जो सिटी का जो हाइजीन लेवल आप देख रहे हो, कई जगह में प्रॉब्लम्स है। तो जब तक उनको ये थोड़ा सेटल नहीं हो जावे, उनके उस पर डिसिप्लिन नहीं हो, तब तक उनको थोड़ा बहुत तो उनको समझ के करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये आगे के वक्त में सेटल हो जाना चाहिए। मुंबई में बिना बिके मकानों की संख्या करीब 2.25 लाख के आसपास है, जबकि ऊंची कीमतों की वजह से खरीदार भी कम है। इसीलिए रोक का असर कम है, लेकिन मांग की स्थिति सुधरने पर भी रोक जारी रहे तो कीमतें बढ़ने की भी आशंका बिल्डर जता रहे हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।